होरनाडी के कुसुमतोला गांव में ग्रामीण विस्थापितों की एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में हजारों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए। सभी ग्रामीणों ने सीसीएल प्रबंधन से कोल डम्प चालू कर लोगों को रोजगार देने की मांग की। मैं आपको बता दूं कि पिछले 15 से अधिक दिनों से कोल डम्प बंद होने से यहाँ के ग्रामीण बेरोजगार हो गए हैं और काम भी पूरी तरह से बंद है। ग्रामीणों को अब बेरोजगारी के अलावा कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि सीसीएल प्रबंधन हम ग्रामीणों को रोजगार दें, नहीं तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर विस्थापित के नेता बहुरा मुंडा, महेंद्र उराव, झुबा उराव समेत हजारों की संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। बहुत लड़ाई लड़ना पड़ता है, इधर से फोटो लिया है ना, सब लीजिए, हाँ सब लीजिए, यही कीजिए। विस्थापित देखता जिंदाबाद, बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, बेरोजगारों को रोजगार देना होगा। विस्थापित देखता जिंदाबाद, विस्थापित देखता जिंदाबाद, बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, बेरोजगारों को रोजगार देना होगा। यहाँ पर इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर डंप चलता था। इस डंप को प्रशासन, सीसीएल के प्रबंधन सब मिल के बंद कर दिया है। यहाँ बेरोजगारी बढ़ गया है। अब बेरोजगारों को रोजगार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और रोजगार हम लोग को चाहिए। अगर नहीं रोजगार मिलता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग के पास और कोई रास्ता है नहीं। जगह जमीन सब खत्म हो गया और हम सीसीएल के साथ इसके बारे में उठना बैठना चाहते हैं। उठ बैठ कर इसका निष्कर्ष निकालेंगे प्रशासन के साथ, सीसीएल प्रबंधन के साथ। अब वहाँ से जो डिसीजन मिले, सारा चीज़ों को देखते हुए हम लोगों को तो रोजगार चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो हम लोग जाएँ कहाँ? ये हम मेरा कहना है। आज हम लोग इनके एरिया पूर्णाडी में एक ग्रामीण का आम सभा कर रहे हैं क्योंकि विगत 15-16 दिनों से यहाँ जो हमारा परियोजना में डंप के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार मिलता था, वो प्रशासन, ये इनके क्षेत्र के प्रबंधन अवैध वसूली को लेके बंद कर दिया गया है, जिससे यहाँ के ग्रामीणों का जो डंप के माध्यम से विस्थापित और प्रभावित लोगों को, ग्रामीणों को जो रोजगार मिलता था वो समाप्त की ओर है। 15 दिनों से बंद है और यहाँ के लोगों को लिए हम लोग प्रबंधन और प्रशासन से मांग करते हैं कि जो विसंगतियाँ हैं उसको जांच करते हुए स्थानीय लोगों को रोजगार कैसे मिले, इस पर प्रबंधन और प्रशासन भी गंभीरतापूर्वक विचार करे ताकि यहाँ का माइंस विस्तार पूर्वक चले और यहाँ का लोगों का भी जो जमीन जो दिए हैं कि यहाँ रोजगार मिलेगा, प्रबंधन के आश्वासन पर सभी जमीन दे चुके हैं और अगर रोजगार छिन जाता है तो यहाँ के जो बेरोजगार लड़का महिला जो हैं उनके लिए एक रोजगार की समस्या है। तो हम लोग इसीलिए आज ग्रामीणों से बैठक करके प्रबंधन से और प्रशासन से अपनी बातों को पहुँचाना चाहते हैं कि लोगों को डंप के माध्यम से जो रोजगार मिलता था, डायरी के माध्यम से, वॉलंटियर के माध्यम से या अन्य जो रोजगार है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, अन्यथा बाध्य होकर हम लोगों को आंदोलन और आगे करना पड़ेगा जिसका जवाबदेही प्रबंधन का और प्रशासन का होगा। मरता क्या न करता, बस हम यही आग्रह करते हैं। क्षेत्र के
झंझदा ग्राम में सभी विस्थापित प्रभावित परिवार महिला पुरुष आज जुटे हुए हैं। विगत कई दिनों से जो पुरनाडी प्रोजेक्ट में अवैध वसूली के नाम से जो कोल डंप चलता था उसको बंद कर दिया गया है और हमारे बीच हमारे विस्थापित साथियों के बीच प्रभावित साथियों के महिलाओं बहनों के बीच में एक बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है जिसको लेकर के हम सभी चिंतित हैं। और इससे आज हम लोग मीटिंग के माध्यम से सरकार को और मैनेजमेंट को प्रबंधन को प्रशासन को ये बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमको रोजगार मुहैया नहीं कराइएगा रोजगार नहीं दीजिएगा तो आपको हम लोग यूं इस तरह से ज़मीन कोड़ करके कोयला निष्कासित नहीं करने देंगे। हमारा हक अधिकार हमको देना होगा अन्यथा हम आपको सुचारू रूप से चलने नहीं देंगे। विगत पूर्व वर्षों में हमसे प्रशासन प्रबंधन जो है बहुत तरह से वादे किए कि आप सभी को हम रोजगार मुहैया कराएंगे जमीन के बदले नौकरी देंगे विस्थापितों को रोजगार देंगे लेकिन वो हमसे छीनते जा रही है। आज टेरर फंडिंग के नाम से हम विस्थापितों को छला जा रहा है और उन पर आरोप लगाया जा रहा है और उसको बंद करने की साजिश रची जा रही है। ये साजिश हम विस्थापित चलने नहीं देंगे। आप उस पर कार्रवाई कीजिए जांच कीजिए और जो सच्चाई है वो सामने लाइए और आप विस्थापितों को प्रभावितों को कमेटी बना करके या आप अपने माध्यम से रोजगार दीजिए लेकिन रोजगार हम लोगों को चाहिए। धन्यवाद। हम लोग का यहाँ सीसीएल जमीन ले गया और अभी हम लोग को रोजगार कुछ नहीं मिल रहा है तो हम लोग को रोजगार चाहिए तो बोल रहा है ऊपर से प्रशासन की बंद करेंगे रोजगार नहीं देंगे तो क्यों नहीं देगा। गरीब लोग हम लोग कैसे जिएंगे जिसका नौकरी है वो लोग तो जिएगा कुछ भी पैसा कमा के जिएगा और हम लोग को रोजगार नहीं है तो हम लोग कैसे जिएंगे। हम लोग के पास रोजगार रहेगा तब ना जिएंगे तो हम लोग बंद नहीं होने देंगे। रोजगार हम लोग को चाहिए तो चाहिए लड़ेंगे तो लड़ेंगे लेंगे तो लेंगे ही छोड़ेंगे नहीं। हम लोग का हक अधिकार जा रहे तो हम लोग जीने खाने के लिए कहाँ जाएंगे। इसलिए हम लोग को लेना अपना हक अधिकार आजा दादा का पुरखा पति का हम लोग का लेने के लिए बहुत हम लोग का हक अधिकार लेने के लिए हम लोग कितना प्रस्तुति महिला ग्रुप है हम लोग कहीं ना कहीं से जरूर लेंगे सीसीएल से लेना ही है। हम लोग का सब जा रहा है तो कहाँ से लेंगे हम लोग कहाँ से जिएंगे खाएंगे। इसलिए हम लोग का यहीं से लेंगे सीसीएल से और सीसीएल से हम लोग जिएंगे और खाएंगे। बंदी हो गया है हम लोग का जो डम चल रहा है सो बंदी हो गया है इसको हम लोग चलना तो चलना है। हम लोग का जो डम चल रहा था वो बंद हो गया है। उन लोग का हम लोग का चाहिए हक चाहिए और हम लोग का आगे पीढ़ी में सोचते हैं कि बाल बच्चा को भी ऐसे ही चलते रहे और आपको सरकार से हम लोग से निवेदन है कि हम लोग का हक चाहिए तो चाहिए।